ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ସହିତ ନଦୀର ଜଳବାୟୁ କମୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନରେ ଯେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ମେଧା ପାଟେକର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠା ଯାଉଛି, ଫଳରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଉଛି ବା ମରିଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳ ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମ ସହିତ ମେଧା ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା। ମ୍ୟାଡମ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ ଯୋ ଆଜକାଲ ଯୋ ଇଲିଗାଲ ଲିଙ୍ଗରେ ଆଜ ତୁମକୁ ସେମ ମାଇନ ଘର କାରଣ ଯୋ ନଦିଆ ହେ ଓ ସବ ସୁଖ ଜାତା ହେ ତୁମକୁ ଜଣା ଉସ ତୋ ହମକୁ ଇଏ ଯୋ ଫଲ ହେ ତୋ ଭୁଗତନା ପଡତେ ଇସକେ ବାରେ ମେ କ୍ୟା କହିଙ୍ଗେ। ଦେଖିଏ ଇଏ ଯୋ ରେତ ଖନନ ହେ ये नदी उनको ख़त्म करता है, क्योंकि रेत ही पानी को पकड़ के रखती है। और रेत निकालने से लोगों को लगता है अरे गड्ढा बनेगा तो पानी भरेगा, उल्टा होता है। नीचे का जो जल चक्र है वो ख़त्म होता है। इसीलिए 27 फरवरी 2012 को दीपक कुमार विरुद्ध राज्य सरकार हरियाणा की इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट है। और वो फैसला 2010 में जयराम रमेश जब पर्यावरण मंत्री थे तब उन्होंने जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर उनका रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। फिर 2013 में NGT दिल्ली ने हर राज्य के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा, लेकिन क्या हुआ कि वो अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि रेत खनन माफियाओं के हाथ में है और उसमें राजनेताओं का आशीर्वाद होता है। और ये रेत खनन नदियों को बर्बाद कर रहा है, यमुना को बर्बाद कर चुका है, नर्मदा आधी बर्बाद हो गई है, अब कौन सी नदी बच सकती है? कोई नदी नहीं बचेगी। और कम पानी होता है और इंडस्ट्री का एफ्लुएंस अवशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं, शहर का पूरा गंदा पानी जाता है, तो फिर वो कम पानी में प्रदूषण कई गुना ज़्यादा होता है। बताया कि जो राजनेताओं का हाथ है, हम देखिए जो NGT का है, सुप्रीम कोर्ट का है, किसी का आदेश नहीं मानते, उनका पीछे बड़ा बड़ा राजनेता का हाथ है जो माफिया को। पर जहाँ जहाँ जन आंदोलन खड़ा होता है वहाँ वो रुक जाता है, ये हमारा अनुभव है। और आदेश ये है सुप्रीम कोर्ट का कि अब एक इतनी घमेली एक रेत निकालनी है तो भी आपको मंजूरी चाहिए। पहले 5 हेक्टेयर तक मंजूर था, पर ऐसा अभी नहीं है। 2012 से हर रेत का खनन करने के पहले अगर 50 हेक्टेयर तक राज्य की जो केंद्रीय मंत्रालय की जो राज्य की इकाई है CR उसको बोलते हैं, स्टेट एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, उसकी मंजूरी लगती है। उस मंजूरी में भी वो शर्तें डालते हैं और वो शर्तों का पालन नहीं होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड होते हैं, इसीलिए वो भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। हमारी कॉन्टेम्प्ट भी लगी हुई है, उसकी सुनवाई नहीं होती। जो होता है विशेष करके हम ओडिशा में जितना है, जो 22 साल की सरकार है, जितना भी आईन आता है या नियम आता है उसको खुला खुली उल्लंघन करता है वो माफिया के साथ। इसीलिए कॉन्टेम्प्ट यानी अवमानना की केस लगानी पड़ती है। तो चीफ जस्टिस रमन्ना ने अभी अभी क्या कहा प्रधानमंत्री के सामने कि कॉन्टेम्प्ट की ऐसी केसेस हमारे ऊपर बोझ डालती है। और ये बोझ क्यों जाना जाता है, क्यों डालना पड़ता है लोगों को? क्योंकि सरकार कानूनों का पालन नहीं करती है, संविधान का पालन। तो अगली स्टेप क्या होगा आपकी? इल्लीगल स्टैंड माइनिंग के बारे में कानूनी और मैदानी लड़ाई और क्या हो सकता है? और क्या हम तो हिंसा के पथ पर नहीं है कि माफियाओं को मार डाले? वो नदियों को मार रहे हैं, वो जीवन को खत्म कर रहे हैं। हम तो कानूनी और मैदानी लड़ाई अहिंसा और सत्याग्रह के पद्धति से ही लड़ते हैं। हमारा ऐलान है कि देश भर के नदी घाटी के लोग ये समझे कि उनकी नदियां सबसे ज़्यादा ये इल्लीगल सैंड माइनिंग से मारी जा रही है, और इसीलिए वो कानूनी और मैदानी लड़ाई शुरू करें। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମେଧା ପାଟେକର, ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କି ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଲି ଖନନ ହେଉଛି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ସେ ମାନିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।